हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लीजिए फ्लैट ब्रश 4 नंबर, राउंड ब्रश 0 नंबर एंड राउंड ब्रश 2 नंबर। ये है तारपिन का तेल, जो हम ये ऑयल पेंट यूज़ करेंगे, ये ऑयल पेंट कहलाते हैं। ये ऑयल पेंट डोर एंड विंडो के लिए यूज़ किया जाता है। ये हार्ड होता है, इसे मिक्स करने के लिए हम तारपिन का तेल यूज़ करेंगे। ये कलर्स एक बार लगने के बाद में निकलते नहीं हैं, तो ये किसी भी सरफेस पे किया जा सकता है इसे। तो ये 5 कलर लें आप, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, नेवी ब्लू एंड ब्लैक। इस तरह ये कलर ले लें। इसे इन 5 कलर से ही हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। जैसे हमें अगर ऑरेंज बनाना है तो येलो एंड रेड मिला के ऑरेंज बन जाएगा, वाइट एंड रेड मिला के पिंक बन जाएगा। इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो इसे पहले अच्छे से शेक कर लें इस तरह से। फिर इसे इस तरह से कोई हार्ड चीज़ से इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में ब्रश के पीछे वाले हिस्से से फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब हम इसे रख रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इसे जब भी इसे अच्छे से प्रेस करके यहाँ पर इसे रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाता है पूरा। हम यहाँ पर ओल्ड प्लेट यूज़ कर रहे हैं स्टील की।
पेंटिंग बनाने के बाद में जो कलर बच जाते हैं उन्हें इस तरह से डिब्बे में वापस डाल दें। ये सूख जाते हैं और फिर यूज़ नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इसी में लगे रह जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से इसे वापस डाल दें। डब्बी को अच्छे से इस तरह से पैक करके रखेंगे हम। ये अगर ज़रा सा भी खुला हुआ रहता है तो ये पूरा अंदर पेंट ड्राई हो जाएगा और वापस यूज़ नहीं होगा। और इस डिश को साफ़ करने के लिए इस तरह से तारपीन का तेल लें या केरोसिन लें और इसे साफ करें। इस तरह से हम इसे साफ़ करके रखेंगे। हमारे हाथों में भी हम इस तारपीन के तेल को यूज़ करेंगे या केरोसिन से इस तरह से साफ़ करेंगे हाथों को। डायरेक्ट सोप नहीं इस्तेमाल कर सकते, कलर लगा के लगा रह जाता है। ब्रश को भी इस तरह तारपीन के तेल में अच्छे से साफ़ करके धो के इस तरह से रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।